बहुत धैर्य के साथ, संयम के साथ डॉक्टर मोतीराम जी कंगाली ने वो जाति कृति का शोध किया है इस धरती पर, इसके ऊपर ये चर्चा हो रही है। तो सुखी जीवन का काल कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो सगा गण जीवों की सेवा करना, सगा भूमका मुठा की सेवा करना, सगा सियान गणों की सेवा करना चाहिए, पुईमोत का अध्ययन करना चाहिए यानी सत्य ध्यान का, सगा समुदाय के वृद्ध गण की सेवा करना चाहिए, सगा समुदाय के गण जीवों का कल्याण हो ऐसा वातावरण निर्माण करना चाहिए और सगा गण जीवों के साथ प्रेम भाव से रहिए, अहित ना हो, किसी का नुकसान ना हो ऐसा वाणी का प्रयोग करना चाहिए। यायाल बाबो सगा मुठवा ना मायजू छवांग ना सेवा किया ना, सगा संगी परसापेन सेवा किसी गुंडी पुनेम तुन माने माया ना। तो यह सुखी जीवन का मार्ग है जो हमें निरंतर इस पे सुखी जीवन के मार्ग के लिए, वो एक तो मुनशुल शरीर मुर्खा शरीर से प्राप्त किया जा सकता है, मुंजुक मंत्र से प्राप्त किया जा सकता है और जयसेवा मंत्र से प्राप्त किया जा सकता है, तभी ये सुखी जीवन का मार्ग हमें मिल सकता है। तो सगा जनों गुणवाना पुनरुत्थान पुनरुत्थान संघर्ष हमारा जारी रहेगा, उसको एक पीढ़ी लगेंगी, दो पीढ़ी लगेगी, तीन पीढ़ी लगेंगी, लेकिन एक दिन हमारे प्रकृति अजरामर है, प्रकृति के नीति नियमों से हम कोई तो सगा वंशीय कोया वंशीय सगा जन चल रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम गुणवाना पुनर्स्थापित करेंगे। और मैं एक जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि जो ये गुणवाने का गाड़ा है, तो गुणवाने के गाड़े को दो चाक पहिए चाहिए, एक तो हमारा पुण्यम का पहिया और दूसरा पहिया है उसको संरक्षण देने के लिए पोए पाट का पहिया, पोए पाट ना चापुंबी मिकोन मतलब पुण्यम संग लावे लागे लिया अजके अमोट गुणवाना गुचिकुन येतिकोम, संविधान की जो भी रास्ता है उसके माध्यम से हम गुणवाना बूढ़ी भाषा को हम लेके रहेंगे, जिसके लिए हमारे लाखों करोड़ों कोयागन समुदाय ने हमारे प्राणों के बलिदान दिए है भारत देश को आज़ाद करने के लिए। बाबूराव पुलेश्वर शर्मा के भीमो कुमरा वीर नारायण सिंह सोना खान शंकर श्याम बाबू रघुनाथ श्याम मड़ावी इतने हजारों लाखों में बलिदान दिए, इस बलिदान का हमें फल मिलना ही चाहिए, उस ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे और हम गुणवाना संस्कृति सभ्यता को काल जी जो है उसको हम जीवित रखेंगे। मुझे नंदकिशोर नैताम जी ने मौका दिया गुंडी दर्शन के लिए और साथ साथ मेरे जो सहयोगी है मानिकरका जी, बाद में आंध्र प्रदेश के अर्जुन सीडाम जी और भरतलाल जी कोराम, उषा किरण अंतराम ताई जो हम मौसी कहते हैं, सुमेर सिंह ताराम पेनवास हो गया, मोतीराम जी कंगानी का पेनवास हो गया, वो अवश्य हमारा कार्य देख रहे हैं, वो भलाई वो शरीर से चले गए गंडोदाई की कोया में, लेकिन वो अजरामर हो गए हैं कोया पर है, तो उनका कार्य हमको आगे चलाना है, वेंकटेश जी अंतराम जी का कार्य हमें आगे चलाना है और सभी के साथ मिलकर सभी की शक्ति के सहयोग से सभी गणों के सहयोग से हम गुणवाना पुनर्स्थापित रहेंगे। मैं यहाँ पे मेरे दोस्त जो आपने बहुत ही गहनता से ये जो टूटा फूटा हमारा व्याख्यान सुना उसके लिए मैं बहुत बहुत सेवा जोहर करता हूँ, आभारी रहूँगा। नाना उनो मंदा का तिरुमाल नंदकिशोर नेताम दादा ना वड्डे दादा ना ईगा नाना मामा जो रणवड़ुक मंदा शीताल मंदा तो ईगा रुमी सिया तो ना, जय सेवा जय गुणाना जय सगापेन जय कोयापेन सेवा जोहर।